एलेपी एक ऐसी जगह है, चाहे आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, दोस्तों के साथ में ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली के साथ, इस जगह के पास सबके लिए कुछ ना कुछ है। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे इन-लॉज के साथ में, और ये हाउस बोट मैंने कम्प्लीटली सिर्फ हमारे लिए ही बुक की है। तो इस हाउस बोट के मुझे चार्जेस पड़े हैं 7,500 रुपये, और यहाँ पर हाउस बोट शुरू हो जाती है करीब 5-5,500 रुपये से लेकर 25-30,000 रुपये तक। डिपेंड करता है कि किस टाइप की हाउस बोट है, उसमें क्या क्या एमिनिटीज़ है, क्या फूड और क्या चीज़ें इंक्लूसिव है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एलएपी में आने के बाद ही हाउस बोट बुक कीजिए, क्योंकि आप फिज़िकली देख सकते हैं कि उस हाउस बोट की क्या कंडीशन है, थोड़ी बहुत आप बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। तो मुझे 10:30 बजे ही हमारे हाउस बोट के ओनर का फ़ोन आ गया था कि आपकी हाउस बोट रेडी है। वैसे तो यहाँ से हाउस बोट के चलने के टाइमिंग्स होते हैं करीब 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, और अगले दिन ये हाउस बोट्स वापस यहाँ पर लौटती है 10 बजे के लगभग। तो करीब 20-22 घंटे की ये जर्नी होती है। ये रूम है विथ डबल बेड, खिड़की है एक बड़ी जिसके अंदर से पूरा लेक नज़र आता रहेगा, बैकवाटर्स नज़र आता रहेगा। बाथरूम है बहुत साफ सुथरा। तो चलते हैं बैकवाटर्स के इस खूबसूरत सफ़र पर 24 घंटे के लिए इस सुंदर सी हाउस बोट में। सरकार बोट, हाँ, हमारा केरला का सरकार बोट। वेमराट लेक, वेमराट लेक, हाँ, छोटा छोटा लेक है, पूरा मिला के कम से कम 7 लेक है। ये पूरा नदी है, समुद्र जैसा लग रहा है, देख लो। हाँ, ये पूरा समुद्र ही लग रहा है मुझे तो, जहाँ तक ये लेक का तो किनारा ही नजर नहीं आ रहा। हाँ, ये सबसे बड़ा लेक है। और इसका मीठा पानी है या खारा? मीठा पानी है, बारिश का पानी है पूरा। अच्छा, सांभर भी लाए? वाह, सांबर, बीन्स, कर्ड, आलू गोभी, पत्ता गोभी, अचार, पापड़, चपाती और राइस। ऐसा खाना तो एलएपी में भी नहीं मिला आपको? ये प्रॉपर खाना मिला, प्रॉपर खाना वही बोल रहे पापा को। एलएपी पे ऐसा नहीं मिला, कहाँ पर भी नहीं मिला, एकदम हर का जैसा खाना है। काफ़ी सारी जितनी भी बड़ी बोट्स है, ये एक सबसे बड़ा लेक है इस एरिया का। यहाँ पर लाकर खड़ी कर देते हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद इसी जगह पर लोगों का लंच होता है, फिर उसके बाद शाम को किसी और लेक पर, किसी और जगह, किसी और बैकवाटर में लेकर जाएंगे। पापा और आई अपने बेडरूम में यहाँ पर सोए हुए हैं, और यहाँ पर हमारे शेफ साहब और ड्राइवर साहब सोए हुए हैं। ये हल्दी, और हल्दी के पहले क्या डाला? जीरा, थोड़ा सा नमक, करी पत्ता। ये थोड़ा टाइम भून कर रखे, फिर बेसन वगैरह डाल के गीला करके रख लेगा। खालो हमारे साथ, थोड़ा खालो, थोड़ा खालो, उनको भी दे दो, उनको भी दे दीजिए। अरे आओ आओ। ये बैकवाटर्स की और उन पर दौड़ती हुई हाउस बोट्स की एक अलग दुनिया थी। यहाँ पर सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया था,
इन हाउस बोट्स के थ्रू आप केरला की लोकल लाइफ को थोड़ा और नजदीक से देख सकते हैं। बहुत कमाल की सीनरी, बहुत कमाल के नज़ारे देखने को मिले हैं दोनों तरफ। काफ़ी सारे लेक्स हैं यहाँ पर। एक से दो के बीच में हमें एक बहुत बड़े लेक में ले जाकर खड़ा किया था, जहाँ पर लंच आया था। और लंच के बाद में दो से तीन ज़्यादातर लोगों ने आराम किया। फिर उसके बाद में पकौड़े आए। पकौड़ों के बाद में अभी सनसेट देखने के लिए जा रहे हैं। जो थ्रू आउट द जर्नी व्यू था वो अमेजिंग था, कमाल का था। जब हम आ रहे थे तो दोनों तरफ मेड़ों के ऊपर थ्रू आउट कोकोनट के पेड़ थे, और मेड़ के दूसरी तरफ में काफ़ी सारी धान की खेती हुई थी। ये छोटा सा गांव, ग्राम पंचायत है, मतलब इधर से थोड़ा दूर पे एक मंदिर है देवी का, फिर इधर ही घूमने के लिए जगह सकता है। पूरा घूमने का गांव है, छोटा छोटा गांव है, इधर पूरे रहने वाले हैं। गांव और मंदिर देखने के लिए मैं और आई निकल पड़े। ये छोटा सा ही गांव था, करीब 10-12 घरों का ही गांव होगा, पर इस गांव के अंदर जो मंदिर हमने देखा, इससे सुंदर मंदिर मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। ये जगह जहां पर हमारी हाउस बोट पार्क्ड थी, ये छोटा सा गांव और ये सुंदर सा मंदिर, यहां पर सब कुछ बहुत सिनेमैटिक था, बहुत सुंदर था। मन कर रहा था कि इस गांव में थोड़ा सा और ज्यादा रुके, और यहां की वजह से ही ऐसा लग रहा था कि हमारा ट्रिप एकदम कंप्लीट हो गया है। हम सही मायनों में गॉड जोन कंट्री देख रहे थे। यहाँ के बैकवाटर्स में लगभग 800 हाउस बोट्स है, और यहाँ का लोकल लॉ कहता है कि शाम को 6 बजे के बाद सारी हाउस बोट्स को अपनी मोटर बंद करनी होगी। मतलब जितनी भी हाउस बोट्स है वो किसी ना किसी पॉइंट पर पार्क कर दी जाती है, किसी भी गांव में या कोई भी सुंदर से व्यू के पास में, और फिर रात भर के लिए वो हाउस बोट उसी जगह पर पार्क्ड रहती है। तो प्रैक्टिकली आप लगातार 24 घंटे बैकवाटर्स में चल नहीं रहे होते हो, आपकी हाउस बोट एक ही जगह पर पार्क्ड रहती है। ये इनिशियली हमारे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था कि हमें तो बोला गया था कि 24 घंटे के लिए आप हाउस बोट में रहोगे, पर जिस जगह पर हमारी हाउस बोट पार्क की गई थी हमें लगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता था। डिनर लगा दिया है टाइम पर, और बहुत कमाल का लग रहा है। वेजिटेरियन फूड है, इसमें भिंडी है, बटर पनीर मसाला है, सैलड है, दाल फ्राई है, चपाती, राइस। अगली सुबह एक ब्यूटीफुल सनराइज के साथ में गर्मा गर्म इडली का ब्रेकफास्ट करते हुए और बहुत सारे सुंदर नज़ारों का आनंद लेते हुए हम वापस लौटे अपने फिनिशिंग पॉइंट पर।
करीब 10 बजे के लगभग हम अपनी ये हाउस बोट वापस बैकवाटर्स में छोड़ चुके थे कुछ और नए मुसाफिरों के लिए, और यहाँ से हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो केरला में बाकी सब जगहों से बिल्कुल अलग था। ये जगह एक बिल्कुल परफेक्ट ब्लेंड था, जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत हिल साइट था, तो उसके बिल्कुल सामने एकदम वाइट सैंड बीच। ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था माउंटेन और ओशन का, और इस जगह के बिना केरला का ट्रिप अधूरा रह जाता। तो इसके नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम देखेंगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह, वारकला।